जब गवाह कर रहे हों गुमराह, जब सबूत देते हैं फरीब का संकेत, तब स्याह अपराधों की परतें खोलने और जुर्म के तह तक जाने के लिए आता हूं मैं डिटेक्टिव माधव तिवारी, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। नमस्कार, मैं हूं सहरा शान और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। जुर्म के रास्ते तमाम है, लेकिन हर रास्ता पहुंचता है सलाखों के पीछे। हर अपराधी खुद को बेहद शातिर समझता है। वो सोचता है कि उसने जो जुर्म किया है उसका किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अपराध और अपराधी कैसा भी हो, वो जुर्म के निशान पीछे छोड़ ही जाता है। मैं और मेरी टीम ऐसे ही सुरागों का पीछा करके पहुंचते हैं गुनहगार के गिरेबा तक, और फिर वो अपराधी पहुंचता है अपने अंजाम तक। हमारा मकसद सिर्फ एक है, क्राइम की हर दस्तक पर मजबूत प्रहार, और इसके लिए चलती रहेगी हमारी इन्वेस्टिगेशन। जब गवाह कर रहे हों गुमराह, जब सबूत देते हैं फरीब का संकेत, तब स्याह अपराधों की परतें खोलने और जुर्म के तह तक जाने के लिए आता हूं मैं डिटेक्टिव माधव तिवारी, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक मकान में एक महिला और उसके दो बच्चों के शव मिले, जिनकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर में बदमाश बेखौफ, एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या, दो मासूम बच्चों और पत्नी की नृशंस हत्या। बुलंदशहर की कोतवाली नगर का गिरधारी नगर इलाका, जहां आज उस वक्त सनसनी मच गई जब किराए के घर में रह रहे एक महिला और उसके दो मासूम बच्चों का शव लहूलुहान हालत में मिला। तीनों घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल गिरधारी नगर इलाके में बीते 8 महीने से रूबीनाम की महिला पति और दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। मकान मालिक की पत्नी की माने तो सुबह सब कुछ सामान्य था। रूबी का भतीजा आज जब घर आया तो वो रूबी के कमरे में गया, लेकिन कमरा बंद था और बाहर खून पड़ा हुआ था। उसे शक हुआ, उसने मकान मालिक की पत्नी को बुलाया। वो जब रूबी के कमरे को देखने गई तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और जब लोग रूबी के कमरे में दाखिल हुए तो वहां रूबी और उसके दो बच्चों के शव लहूलुहान हालत में मिले, जिनकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। रूबी और उसके दो बेटे, करीब 4-4.5 साल का, 5 साल का बेटा है बड़ा वाला, और एक है 1.25 साल का लड़का उसका, तो दोनों का, तीनों का गर्दन कटी हुई। जो ये आपके किराएदार थे, इनमें पति पत्नी में विवाद होता था ना? पति पत्नी में कभी विवाद नहीं। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसमें जो तीन लोगों का मर्डर हुआ है, इसमें वाइफ है और दो बच्चे हैं, जो हस्बैंड है उस पर पूरा आरोप है। साथ में मौजूद है उसका जो जेठ था, पिता का जेठ राम रतन, जो हमारी कस्टडी में है, उससे गुस्सा चल रही है। और जो हस्बैंड है वो अभी फरार है, उसकी तो हम लोग ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। मौके से हम लोगों ने काफ़ी अवेयरनेसेस उठाए हैं जो कलेक्ट करते हैं लोगों को, और अभी पूछताछ उसके जेठ से और उसकी मदद से चल रही है कॉरोबरेट करने के लिए कि जिस कारण से उसने मर्डर किया है उस कारण को पता। फिलहाल पुलिस प्रथम दृष्टया इसे पारिवारिक रंजिश से जोड़कर देख रही है और घटना में पारिवारिक लोगों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। घटना के बाद से रूबी का पति फरार है। बहरहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। बुलंदशहर से भारत समाचार के लिए मनोज की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में दो हत्याओं ने सनसनी फैला दी है, जहां एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं एक महिला के हाथ बांधकर दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। दो हत्याओं से दहला मुजफ्फरनगर, युवती की गोली मारकर हत्या, महिला के हाथ बांधकर दुपट्टे से गला घोटकर हत्या। मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती और महिला की हत्या कर दी गई।
दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के चरथावल कोतवाली के गांव हैबतपुर का है, जहां घास लेने गई एक युवती को एक युवक ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व भी गांव के ही एक युवक ने युवती के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया था, जिसको लेकर युवती डरी और सहमी हुई थी। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मृतका की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हत्या की दूसरी वारदात नई मंडी कोतवाली इलाके की है, जहां एक निर्माणाधीन मकान में लगभग एक महिला जाहिता का शव मिलने से अधिकारियों के होश फाकता हो गए। शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि बुजुर्ग महिला के हाथ बांधकर दुपट्टे से गला खोदकर हत्या की गई हो। परिजनों और पुलिस की माने तो मृतक महिला कल शाम से लापता चल रही थी, जिसका शव एक मकान से मिला है। अजी अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पा रहा भाई, यही कि अभी इसमें मृत घोषित मिली और अभी इसकी जांच की जा रही, उसके बाद कुछ जिस हालत में इसकी डेड बॉडी, ये तो सत्य है कि इसके मृत करेगी। सुबह वो आया, उसने बताया हमें कि भाई ऐसे ऐसा गायब है, हमने फिर उसको कॉल की तो वो फोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर हम जो है यहाँ आस पास तलाश किया, जब नहीं मिला फिर हम थाने पहुँच गए, इस पर प्रसाद से बात हुई, उन्होंने फिर आए तलाश शुरू हुई। तो ये सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की छानबीन में जुट गई है। महिला कल से गायब थी, सुबह थाने पे आए, पुलिस गई, ढूंढा तो बिल्कुल जहां उसका मकान बन रहा है महिला का, उसी के बराबर वाले मकान में उसकी डेड बॉडी मिली थी, जो थोड़ी संदिग्ध लग रही है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे गला दबाया गया है। मौका पे अभी वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत चल रही है, लोगों से जानकारी की जा रही है और जल्दी ही इसका खुलासा कर दिया जाए। फिलहाल मुजफ्फरनगर में दो हत्याओं ने सनसनी फैला दी है और पुलिस को बदमाशों ने खुली चुनौती दी है। इन्वेस्टिगेशन के लिए मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। झांसी पुलिस और स्वाट टीम ने ऐसे शातिर वाहन चोरों के गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसके गैंग का लीडर कहकर चोरी करता था। जी हां, एलानिया चोरी करता था। देखिए चोरी के राजा की अपराध कुंडली। झांसी पुलिस की गिरफ्त में आया चोरों का राजा, 3000 से ज्यादा वाहन चुराए, कहकर करता था चोरी। पुलिस की गिरफ्त में किया ऐलान, जेल से छूटकर आया तो फिर करूंगा चोरी। आपने चोरी के किस्से तो बहुत सुने और देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको चोरों के राजा की दास्तान बताने जा रहे हैं, जो ऐलानिया चोरी करता है। झांसी कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की गिरफ्त में आया ये वाहन चोरों का राजा है, जिसने 3000 से ज्यादा वाहन चुराए हैं और ऐलानिया चोरी करता है। दरअसल झांसी कोतवाली पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी कुछ संदिग्ध बाइक सवार को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने जब उनसे पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासा ऐसा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर गैंग को पकड़ा है, जिसने अभी तक 100-200 नहीं 3000 वाहन चुराए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चोरों का राजा खुद कह रहा है। आप खुद सुनिए और उसकी हिम्मत तो देखिए। पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद भी वो फिर से चोरी करने का ऐलान कर रहा है। माना सादा मंजूरी 2-3 हजार बाइक चोरी कर चुके हैं और छूट के फिर बाइक चोरी करेंगे। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के पास से चोरी की 7 बाइकें बरामद की है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि ये बदमाश भीड़भाड़ इलाके में पहले रेकी करते थे, इसके बाद मौका पाते ही बाइक चोरी कर भाग जाते थे। पूछताछ में जानकारी ये हुई कि ये शातिर वाहन चोर है और ये जो बाइक्स हैं ये भी चोरी की हैं, इसको बेचने जा रहे हैं। उनसे और जानकारी की और पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 3 वाहन और हैं
जो उनके द्वारा छुपा के रखे गए हैं। सातों वाहनों की बरामदगी की गई, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनसे बहुत कुछ जानकारियां और प्राप्त हुई हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने वाहन चोर गैंग का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन पकड़े गए वाहन चोर गैंग के लीडर का जो ऐलान है उसे पुलिस कितना गंभीरता से लेती है ये देखने वाली बात होगी। पुलिस के सामने बदमाश खुलेआम कह रहा है कि मैं जेल से छूटने के बाद फिर से बाइक चोरी करूंगा, तो अब पुलिस का डर झांसी में खत्म हो चुका है। लेकिन पुलिस की बात करें तो पुलिस आए दिन छापामारी करती रहती है, लेकिन चोर की हिम्मत देखिए कि पुलिस के सामने किस तरीके से कह रहा है कि मैं जेल से आने के बाद फिर से बाइक चोरी करूंगा। पकड़े गए चोरों के पास से 7 बाइकें बरामद हुई हैं और उनके पास से कुछ पैसा भी बरामद हुआ है। ऐसे झा, भारत समाचार, झांसी। राजधानी लखनऊ में एक बड़ी घटना उस वक्त सामने आई है जब अंकित नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने स्विमिंग कोच पर आरोप लगाते हुए हत्या की तहरीर दी है। ये तस्वीर है अंकित की, जिसकी आज सुबह RDSO के स्विमिंग पूल में डूबकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अंकित इस पूल में कैसे डूबा इस बाबत जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मृतक अंकित को RDSO के ही अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे अंकित के परिवारजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए स्विमिंग कोच के खिलाफ तहरीर दी है। हम लोग आपके RDSO के हॉस्पिटल में आए और हमने वहां देखा कि उसकी डेथ हो चुकी थी। अंकित पिछले 3 महीने से स्विमिंग की कोचिंग RDSO में MK खोसला से ले रहा था, जिसके लिए वे 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दे रहा था। हर रोज की तरह आज सुबह भी अंकित स्विमिंग की क्लास लेने के लिए आया था, पर कुछ ही समय के बाद सूचना मिली कि अंकित का शव पूल में उतरा रहा है। इसकी सूचना पर अंकित को अस्पताल ले जाया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरतलब है कि इससे पहले 2002 में भी एक प्रशिक्षु की मौत ठीक इसी तरह हुई थी, पर उस समय किसी तरह मामले को दबा दिया गया, पर इस बार RDSO के कोच पर हत्या का आरोप लगाया गया है। RDSO में जो स्विमिंग पूल है उसमें एक युवक की डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पर पुलिस गई थी और पुलिस ने फिर उनके परिजनों को सूचना किया, उन्हें हॉस्पिटल भिजवाया गया, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी। परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया वहां के मैनेजर पे कि हमें संदेह है कि इनके द्वारा ऐसी घटना की गई होगी, दिया जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सभी एंगल पे हमारी तफ्तीश चल रही है, जो भी एविडेंस मिलेंगे उस आधार पर कार्रवाई कराई जाएगी। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मृतक के परिवार की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू करती है, पर जिस तरह से यह मामला सामने आया है उससे तो एक बात साफ है कि कहीं न कहीं इस मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एक बार फिर RDSO के स्विमिंग कोच और प्रशासन पर संगीन आरोप लगे हैं, जिसके चलते वह कटघरे में है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के ऊपर है कि पहले वो आरोपियों की गिरफ्तारी करे और उसके बाद घटना के ऊपर से पर्दा उठाएं। इन्वेस्टिगेशन के लिए लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी इन्वेस्टिगेशन। जब गवाह कर रहे हो गुमराह, जब सबूत देते हैं फरीब का संकेत, तब स्याह अपराधों की परतें खोलने और जुर्म के तह तक जाने के लिए आता हूं मैं, डिटेक्टिव माधव तिवारी, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। देवरिया पुलिस ने बीजेपी नेता उमाशंकर राय की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। बीजेपी नेता उमाशंकर राय की हत्या किसने और क्यों की, इस रिपोर्ट में देखिए। देवरिया जनपद की बनकटा पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों की तलाशी ली जा रही थी। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पकड़े गए लोगों ने भाजपा कार्यकर्ता उमाशंकर राय की हत्या करने की बात कबूली। दरअसल बनकटा थाना इलाके के भाजपा कार्यकर्ता उमाशंकर राय की बीते 21 अगस्त को लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें गांव के ही 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी थी कि उन्होंने चेकिंग के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक यूपी पुलिस का बर्खास्त सिपाही भी है।
पुलिस की माने तो पकड़े गए अभियुक्त देवेंद्र यादव को बीजेपी नेता उमा शंकर राय पर शक था। इन्हीं की शिकायत के कारण उसकी नौकरी गई है। बीते 21 अगस्त को जब उमा शंकर राय अपने घर लौट रहे थे, तभी कई लोगों ने भटसर चौराहे पर बीजेपी नेता को घेर लिया और लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। मेन मुलजिम है देवेंद्र यादव, उनकी आज अरेस्ट हो गई। उन्हीं के साथ रंजीत यादव, वो भी उसी में नामजद थे, दोनों का अरेस्ट हो गई। ये दोनों पूरी कन्फेस कर रहा है, ऐसे कुछ इश्यू में इन्हीं के खिलाफ पुलिस में वो लोग उमा शंकर राय उनकी तरफ में कुछ जानकारी हो गई, इसलिए इनकी नौकरी चली गई। बिहार पुलिस में ये कांस्टेबल था पहले देवेंद्र सिंह यादव, इसी शक से ये ऐसे कर दिया। उसी दिन नाराज होकर के कुछ कहा सुनी हो गई, ये लाठी डंडे से मारा, उनका मृत्यु हो गई। आज अरेस्ट हो गई, सभी कबूल कर दिया, कन्फेस कर दिया। ये अभी इसमें चार लोग शेष है, उन्हीं लोग के खिलाफ भी जल्दी हम गिरफ्तार करके जेल भेजे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों में से 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। इन्वेस्टिगेशन के लिए देवरिया से मनीष कुमार की रिपोर्ट। हाथरस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर से लापता एक किशोर का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। यह हत्या है या फिर आत्महत्या, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी। हाथरस जिले के थाना कोतवाली मुरसान इलाके के गांव सोगरा का रहने वाला नसरुद्दीन का लड़का असलम बीते 29 अगस्त को दोपहर अपने घर से अचानक रहस्यमय ढंग से लापता हो गया था। जब असलम घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश परिजनों ने शुरू की। परिजनों ने लापता असलम को तलाशा, लेकिन असलम का कुछ पता नहीं चला। आज सुबह ग्रामीणों ने घर से लापता असलम का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। शव पेड़ पर लटका हुआ मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। असलम का शव पेड़ पर लटका हुआ मिलने की सूचना जैसे ही असलम के परिजनों को हुई तो असलम के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और असलम के शव को देखकर कोहराम मच गया। कल शाम से ही लापता है, दोपहर से दुकान पे जा रहा था। किस चीज की दुकान पे? मोटर कूलर पंखे की। अच्छा, फिर लापता है, दुकान पे भी नहीं पहुँच पाया है। वहीं ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी थाना मुरसान पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने असलम के शव को पेड़ से उतार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पेड़ पर इसका शव लटका मिला हुआ है। बच्चे की उम्र लगभग 14 वर्ष की है और परिजनों को आशंका है संभवतः किसी कारणवश इसने आत्महत्या कर ली है। शरीर पर कोई जाहिर चोट नहीं, फिर भी हम इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि असलम की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये हत्या है या आत्महत्या, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही कर पाएगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए हाथरस से शमी गौतम की रिपोर्ट। शातिर गुनाहगार एक्टिव हैं और वो आपके आसपास ही रहते हैं। वो हर वक्त एक नए जुर्म की कहानी गढ़ रहे हैं और हम उनका पीछा कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन तब तक जारी रहेगी जब तक उस सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते। लेकिन जाने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आप भी रहिए सावधान और सतर्क। नमस्कार। जब गवाह कर रहे हो गुमराह, जब सबूत देते हैं फरीब का संकेत, तब स्याह अपराधों की परतें खोलने और जुर्म के तह तक जाने के लिए आता हूं मैं, डिटेक्टिव माधव तिवारी, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन।